अभी अभी YouTube की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि एक बेड अपडेट भी कह सकते हैं या अच्छा अपडेट भी कह सकते हैं। अब ये अपडेट है क्या आपके हिसाब से ये लगेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक गलत अपडेट आया है। तो इस अपडेट के बारे में, जो कि ये अपडेट जो लागू होने वाला है, ये आपको 15 तारीख से, मतलब कि 15 अक्टूबर से ये लागू कर दिया जाएगा YouTube पे। जो कि देख यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, फेसबुक के बाद अब YouTube अपडेट, मतलब कि अब पैसा नहीं मिलेगा। ये सच्चाई आपको लगता होगा, इसे लिख दें पैसा मतलब नहीं मिलेगा, इसका मतलब बहुत कम पैसा मिलेगा। देखिए पहले क्या था, आप अगर YouTube पे शॉर्ट वीडियो बनाते थे, ठीक है, शॉर्ट वीडियो पे हम लोग जानते हैं लगभग 5 मिलियन अगर आपका व्यू जाता है तो एक या दो डॉलर मतलब आपका रुपया सिर्फ बनता है, ठीक है, $1 से $2। लेकिन अभी जो है आप अगर फेसबुक पे, आप जो है फेसबुक सबसे पहले एक अप टू डेट आया जिसमें कि बताया, जो आप जो है अपने वीडियो को, जो आप मतलब वीडियो ऐसे बनाते हैं, ये वीडियो को आपको क्या करना है, सीधा रील्स वीडियो जैसे ही बनाना है जिससे आपका अधिक व्यू जाएगा। ये फेसबुक क्यों किया, क्योंकि वैसे में जब व्यक्ति उसको देखता है तो उस पर एड बहुत कम चलता है, और जब कम एड चलता है तो फेसबुक हमको अर्निंग भी कम देता है, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को देखते हुए यूट्यूब भी इसमें क्या किया परिवर्तन, तो यूट्यूब क्या किया, यूट्यूब का कहना है अब आपका 3 मिनट का वीडियो, अगर आपका वीडियो जो है 3 मिनट का है तब भी वो रील्स में गिना जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग जानते हैं, जब YouTube के तरफ से रील्स वीडियो बनाने का, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने का अपडेट आया था, उस समय सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो जो होता था, 15 सेकंड के वीडियो को रील्स वीडियो में, मतलब कि शॉर्ट वीडियो में अपडेट किया गया था। उसके बाद इसको बढ़ा के कितना किया गया, इसको बढ़ा के 60 सेकंड कर दिया गया। कितना, 60 सेकंड इसको बढ़ा के कर दिया गया था। 60 सेकंड करने के बाद फिर फेसबुक जब इसमें क्या किया परिवर्तन किया, कहा जो आप कितना लंबा वीडियो बनाइए उसको आप सीधा खड़ा करके बनाइए, ठीक है। तो आप अब क्या हुआ, YouTube भी देखा उसमें कहीं ना कहीं क्या है, अर्निंग व्यक्ति को कम होगा और शॉर्ट वीडियो अधिक बनाएगा। जैसे अगर अब आप अगर वीडियो को 3 मिनट तक बनाते हैं, तो 3 मिनट बनाने का ये नहीं, जो आप जैसे ये वीडियो मेरा बन रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में बन रहा है, मतलब कि इस तरह से वीडियो जो बन रहा है ऐसे वीडियो में नहीं, ऐसा वीडियो जो हम मोबाइल को सोच करके, मतलब जैसे ये मोबाइल है, अगर हम इस तरह से 3 मिनट के वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो वो वीडियो शॉर्ट में ही जाएगा। अब शॉर्ट में जाने के बाद आप, बहुत सारे व्यक्ति का ये मन में डाउट था जो क्या शॉर्ट में अगर बनाएंगे हम वीडियो तो इसका VHTM काउंटिंग होगा, तो नहीं, YouTube का साफ साफ कहना है इसका VHTM भी काउंट नहीं किया जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या व्यू काउंट किया जाएगा। कौन सी, सिर्फ व्यू काउंट किया जाएगा, VHTM इसका जो भी होगा उसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा आपका, मतलब कि VHTM बढ़ाने के लिए आपको वीडियो इसी तरीका से बनाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं जो मतलब कि वीडियो पे व्यू आए, ठीक है, तो व्यू आने के लिए सिर्फ आप बना सकते हैं इसे वीडियो, और इसमें आपको अर्निंग भी शॉर्ट में जैसे होता था वैसे ही होगा। आप 3 मिनट का भी वीडियो बनाएगा तब भी आप में शॉर्ट जैसे ही अर्निंग होगा, हाँ ये होगा जो वीडियो को अधिक से अधिक क्या होगा इंप्रेशन भेजा जाएगा, जिससे मतलब कि अधिक से अधिक व्यू आपका जा सकता है। एक ये चीज़ है जो अगर आप इस तरह से मोबाइल को करके आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्लॉप करते करते रील्स वाले ऑप्शन में आपका जाएगा तो उससे अधिक व्यू जाता है। हम लोग जानते हैं जो जितना हमारे लंबे वीडियो में व्यू नहीं जाता उतना कौन चीज़ में, शॉर्ट वीडियो में व्यू जाता है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन यहाँ पे इसको ये भी करना था जो अगर 3 मिनट का वीडियो है और उसका व्यू नहीं काउंट करके उसका VHTM काउंट किया जाए। अगर VHTM काउंट किया जाता तो हमारा VHTM 4000 घंटा जो होता है वह बहुत तेज़ी से पूरा हो जाता, बहुत तेज़ी से क्या हो जाता, पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, कहा नहीं VHTM आपका काउंट नहीं किया जाएगा, आपका काउंट किया जाएगा व्यू काउंट किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस हिसाब से ये गलत अप टू डेट है, लेकिन अगर व्यू पाने के हिसाब से कहा जाए तो ये एक अच्छा अप टू डेट भी है। तो आप क्या सोचते हैं इस अप टू डेट के बारे में, आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये अप टू डेट कब से लागू होगा, तो ये जो अप टू डेट लागू होने वाला है ये आपको 15 अक्टूबर से ये आपका लागू कर दिया जाएगा सभी के चैनल पर। आप अगर चाहिएगा 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाना तो आप बना सकते, ठीक है। तो कैसा लगा ये अप टू डेट, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही अप टू डेट, ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।